यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जो कुछ वैकेंसीज जारी की गई हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैकेंसीज बहुत कम है, तो कम वैकेंसीज की इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस के द्वारा आपको बताने की ट्राई की है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जो भी सारी क्वालिफिकेशंस फिलअप करते हैं, वो ये आप देख सकते हैं और फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए श्री औरोबिंदो कॉलेज है, मॉर्निंग कॉलेज है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। और कॉलेज वेबसाइट आप देख सकते हैं, aurobindo.du.ac.in पे जाके आप इसे फिलअप कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग परमानेंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द कॉलेज है ये, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट है ये सारी और ये परमानेंट है। अब यहाँ पे देखिए कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट पे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और जो आपके फिजिकल हैंडीकेप पर्सन है वो इसे फुल उनकी एक सीट यहाँ पे है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 ईयर्स, और पे मैट्रिक्स जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग पे लेवल 10 होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर का पे लेवल 10। ओके, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट उसकी एक पोस्ट है और ये जनरल में पोस्ट है, और इसकी भी मैक्सिमम लिमिट आपकी 35 ईयर है, पे लेवल आपका 7 है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है फिर कंप्यूटर असिस्टेंट, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट आल्सो एक है, जनरल में एक है, बाकी सारी यहाँ पे किसी के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। 30 ईयर इसकी एज लिमिट रखी गई है, पे लेवल इसका 6 है। प्रोफेशनल असिस्टेंट जो लाइब्रेरी होते हैं उसका प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसके 2 पोस्ट हैं वो जनरल की हैं, बाकी ओबीसी ST ST में ये वो खाली है इसमें। ओके, 35 एज इसकी मैक्सिमम एज है, और पे लेवल यहाँ पे कितना रखा गया है, पे लेवल 6 है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी का ही है, इसमें आल्सो 2 है और वो भी जनरल की हैं, बाकी ओबीसी ST PWD EWS की सीट है यहाँ पे नहीं है। 30 ईयर इसकी मैक्सिमम है, पे लेवल यहाँ पे 5 रखा गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट जिसकी एक वैकेंसी है, और ये है आपके जो फिजिकल हैंडीकेप्ड पर्सन है उनके लिए रखी गई है एक पोस्ट, 30 ईयर, पे लेवल 3 रहेगा इसका। सीनियर असिस्टेंट एक, वो भी आपके फिजिकल PWD वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए है, और 30 ईयर, पे लेवल 6 रखा गया है। जूनियर असिस्टेंट की आल्सो एक है, और ये आपके ओबीसी में है, ठीक है, ओबीसी में रखी हुई है। ओके, अब लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे, तो बॉटनी में एक है, वो भी जनरल की है, और यहाँ पे 30 ईयर में मैक्सिमम एज है, पे लेवल आप देख सकते हैं 4 है सभी का। लेबोरेटरी असिस्टेंट सभी का पे लेवल 4 है, और सभी के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं जनरल में एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, एक जनरल में है और एक शायद ये SC में है, हाँ ये SC में है। ओके, अब आते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट, वो लेबोरेटरी असिस्टेंट था, ये अटेंडेंट है। अब इसमें पे लेवल इसका देखिए एक है, मैक्सिमम ये सभी के लिए 30 ईयर है। बॉटनी में देखिए 2 हैं जनरल के लिए, केमिस्ट्री में 5 हैं, 3 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 SC के लिए। कंप्यूटर में एक है जो ओबीसी के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स में 3 हैं, जूलॉजी में 2 हैं, और इस तरह से आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की 9 पोस्ट है, ये अलग है, लाइब्रेरी अटेंडेंट ये अलग है, जिसकी 9 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें जनरल में 2 हैं, ओबीसी में 3 हैं, बाकी यहाँ पे ST में 1 आ जाती है, और 2 आपकी फिजिकल हैंडीकेप्ट, और एक यहाँ पे किसके EWS की, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक EWS की, EWS की सबसे कम सीट है यहाँ पे। 30 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज है, और पे लेवल आप एक देख सकते हैं यहाँ पे। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए फीस की बात करें, तो एप्लीकेंट्स की फीस की बात करें तो 500 होने वाले हैं जनरल ओबीसी और EWS कैटेगरी के लिए। SC ST PW और जो फिजिकल हैंडीकेप पर्सन है SC ST वाले, उनके लिए वुमन और वुमन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन वाइल फिलिंग सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फीस फीस एक बार वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल ये फीस है, ठीक है। दो जिन सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, जो सर्विस है इन सर्विस है उन्हें प्रॉपर चैनल से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें पहले अपने डिपार्टमेंट को NOC देनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी NOC आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। ओके,
अब यहाँ पे देखिए पर्सनल एजेंसियल क्वालिफिकेशन दिया गया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। जो भी आप इंटरेस्टेड हैं एक बार पीडीएफ इस वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं और क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस डिटेल देख सकते हैं। जैसे हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एजेंसी के लिए ये तो आवश्यक है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्वलेंट डिग्री ऑफ बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल। ठीक, तो यहाँ पे ये तो एजेंसी है लेकिन डिजायरेबल देखें तो यहाँ पे 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी और इक्वलेंट कैडर इन ए ग्रुप ऑफ बी पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस अलोंग विद प्रूवन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी डिजायरेबल हो सकती है LLB किया हुआ हो, MC या फिर MPhil हो या फिर PhD क्वालिफिकेशन हो, तो इन पर्सन को इंटरव्यू के लिए ज़्यादा मायने दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, सभी को अपने यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम 30 एज ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट, लेकिन द ऑल द डायरेक्ट रिक्रूट शुड पजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ओके, अब हम किसी दूसरे की देखते हैं। देखिए सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नोट दिए हुए हैं कुछ, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात करें तो शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट और ग्रेजुएट विद रेलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप बॉटनी से बनना चाह रहे हैं तो आपकी BSc जो भी आपने किया ग्रेजुएशन उसमें आपकी बॉटनी सब्जेक्ट होना मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। और लेबोरेटरी अटेंडेंट है इन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी इन सभी के लिए एजेंशियल होगा। देखिए शुड हैव पास्ड 10th पास होना जरूरी है और एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है जिसमें आपकी साइंस सब्जेक्ट होना मस्ट है। ठीक है, ओके, ये आपकी सारी पर्सनल आप देख के जाके देख सकते हैं PDF में जो भी आप वैकेंसी में फिलअप करना चाहते हैं। तो ये बेसिक्स था जो मैंने बताया, आई होप गाइज यू विल गेट इट, और मिलते हैं किसी नई वैकेंसी के साथ में नई वीडियो में। थैंक्स।